मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त शोभा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल झारखंड की शोभा पे। और अभी है सुबह का वक्त और कुछ बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा चुकी हूं और अभी मैं किचन में आ गई हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, बर्तन मिक्सी सब दिख रहा है। तो मैंने रात में बताया था कि मैं छिलका बनाने वाली हूं और मैं छिलका ही बना रही हूं। उसका बैटर कुछ बच गया था और ये देखिए, मैं ये लोहे के तवे में ही बना रही हूं। और मैं कैसे बना रही हूं मैं आपको दिखाना चाहती हूं, तो आप देखिए। मेरा तवा थोड़ा छोटा है इसीलिए छोटा ही बनेगा। ये देखिए, डालने के बाद मैंने गैस तेज कर दिया, तो गैस तेज करने के बाद ये देखिए, ये अपने से छोड़ेगा तब भी आप कर सकते हैं। मैं अपने ये ज्यादा कुरकुरा इसमें नहीं बन पाता है। बस देखिए, एक सेकंड में जरा ये देखिए, ये मैंने इतना सारा बना लिया, अभी मैं और बनाऊंगी। और मैंने ये कर दिया गैस तेज। ये छिलका एकदम ही सादा नाश्ता। अभी आप इसे मूंगफली की चटनी से खाइए, खाइए नारियल की चटनी से खाइए, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और हम सबको बहुत पसंद है। यहाँ पर इसे चाय से भी खाते हैं, जैसा मन वैसे खाइए, अच्छा ही लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। या फिर ग्रेवी वाली सब्जी से खाइए। बस ये लोहे के तवे में होता है कि कुरकुरा उतना नहीं बन पाता है। जैसे थोड़ा देर के लिए देखिए हार्ड रहेगा, ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए, ये भी बन गया। लाइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस साइड लाल हो गया, ये देखिए, मैं आपको इसके पीछे साइड भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा मैं गैस थोड़ा ज्यादा तेज कर दी तो ये जल गया। मेरे घर में सभी को पसंद है और खासकर मुझे भी। ये देखिए, मैंने एक और बनाया। यहाँ के लोग इसे लोहे के तवे में ही बनाते हैं और बड़े बड़े बनाते हैं। मेरा तवा छोटा है इसलिए मेरा छोटा बन रहा है। और इसमें मसाला भर दीजिए तो ये मसाला डोसा हो जाएगा, लेकिन ये व्हाइट ही रहेगा तो उतना कुरकुरा नहीं हो पाएगा। और आज हम लोग इसे छोले के साथ खाएंगे, क्योंकि मैंने कल रात में ही ज्यादा छोले बनाए थे, तो हम लोग तो तीन ही जन है तो हम लोग का बच गया था, तो अभी हम लोग उसी से खाएंगे। ये देखिए, मैंने इतना सारा छिलका बना लिया, ये हम लोग का नाश्ता है। हम मिडिल क्लास वालों का प्रॉब्लम, ये मम्मी का टूथपेस्ट, ये बच्चों का टूथपेस्ट। और इसमें अभी है, ऐसा नहीं कि मैं कंजूसी कर रही, देखिए अभी और होगा। साबुन में भी वही हाल, यहां से हवा बहुत आती है, साबुन में भी वही हाल, सब चीज में। तो अब मैं रेडी होके मिलती हूँ, मुझे जाना है अपने बेटे के स्कूल। जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था, तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ अपने बेटे के स्कूल जाने के लिए। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गया। बेटा लॉक कर दो घर, हम लोग ताला यहाँ रखते हैं। ये देखिए, हम लोग ताला इसमें फंसा कर रखते कि जाते टाइम हम लोग को खोजना ना पड़े। पेन लिया, सिग्नेचर करना होगा, होगा वहां पे। तो चलिए, मैंने मास्क नहीं लगाया, मेरा बेटा मास्क ले लिया है, दे देना बेटा। आप लोग मेरे इतनी केयर करते हैं, मास्क लगाने करते, मुझे अच्छा लगा। धूप तो बहुत है। और यहाँ से चार पांच किलोमीटर है, और लोहरदगा रोड से लेफ्ट साइड कच्ची रोड एक सड़क जाती है, तो वहीं पर है, उसे चंडाली कहते हैं। वहाँ पुलिस लाइन है, तो पुलिस लोगों का छावनी क्वार्टर सब है, सॉरी छावनी नहीं है, वहाँ क्वार्टर है। अब बेटा
तो चलिए फिर स्कूल पहुंच कर मिलते हैं। ये मेरा बेटा बाइक चला रहा है, मेरा दो बेटा है। ये देखिए आगरा लोहरदगा और नेतरहाट, तो हम लोग जा रहे हैं लोहरदगा रोड में। ये सीधे ये आ गया पेट्रोल, चले जाते हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भीड़ तो नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वो पैसा दे रहा है, ये ग्रीन गंजी वाला है, वो पैसा दे के आ रहा है। और यहाँ से हम लोग कितना किलोमीटर बाबू? 2 किलोमीटर होगा, जैसे हम लोग 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं, तो 2 किलोमीटर होगा। कितना चल जूता ये? और ये इसके स्कूल का गेट है। मास्क लगाना जरूरी है तो मैंने लगा लिया मास्क। ये सब नया बिल्डिंग बना हुआ है, लोग एंट्री इधर है इस साइड। मेरे बेटा 92.5% लाया, बेटा 5% लाया है। चलिए तो मैं आपको घर में दिखा दूंगी, मन खुश हुआ, नहीं तो मैं से बहुत बार थी सोच के गई थी, क्योंकि ये पढ़ता बिल्कुल नहीं है, बहुत बदमाश है। चलिए तब बाहर चल के फिर बात करते हैं। हाँ ये देखिए, इनका नाम मोहित है, हम लोग इनको मैं बचपन से जानती हूँ, हम तुमको सचमुच बचपन से जानते हैं, जब तुम वो घर में था वो। हाँ तो ये हम ही लोग के एरिया में रहते थे पहले, और मैं इन्हीं की दुकान से लेती हूँ, इनके पापा रहते हैं दुकान में, लेकिन अभी मोहित है तो मोहित दे रहा है। और सब्सक्राइब कर देना, और देखना भी, अपनी वाइफ को भी बोलना देखने, कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, नहीं तो फ्री में तो कुछ नहीं देते है। आज सेव को काट के बोल रहे खाइए लीजिए आप, तो चलिए हम लोग खा ही लेते हैं। थैंक यू। अरे बच्चा लग को भी दो, भैया को दो, मीठा है दे दो, तुम मीठा मीठा, ये मीठा मीठा बोल के बहुत लूटता भी है, लेकिन हम इनका काम है वैसा है, तो हम क्या बोले। कितना? 200 है ही, ठीक है दे देते, मैंने पूरा ले ये लेंगे। लुटिए लिया कि रे, जो खा रहे इसको भी लूट लिया, एक तो माइनस कर दिया उसमें से। नहीं माइनस नहीं, हाँ ना हम जानते नहीं है। चल रहे, पहले हम लोग यहाँ रहते थे, ये देखिए ऊपर जो बिल्डिंग दिख रहा है साइड से, मैं दिखाती हूँ, और हम लोग ये वाले घर में, और ये खिड़की से मैं हमेशा देखा था। और ये हम लोग आ गए हैं घर, गेट खोल बेटा। मोहित को जितना लूटना था हमें, हमको, हम सबको लूट लिया मोहित ने, उसको जितना लेना था उसको ले चुका है। खैर कोई बात नहीं, फल खाएंगे तो बदन में लगेगा, ऐसा तो हाथ का मैल आएगा जाएगा। चलिए तक अब घर चलते हैं, और मैं एक मेडिसिन लूंगी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा 92.5% लाया है, और 7th हुआ। सोचिए इसके क्लास में कितने तेज तेज बच्चे हैं, जो ये 7th हो गया, फिर भी चलिए ठीक है, लेकिन मैं तो बोलूंगी और अच्छा करो, 95 अबव लाओ।
तो आज मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर्दा एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हम लोग मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, क्योंकि मैं बहुत थक गई और जाने के पहले मेरे सर में दर्द था, लेकिन पेरेंट्स को जाना बहुत जरूरी था इसलिए मैं गई और थक गई। तो मैं मेडिसिन लूंगी क्योंकि मेरे इस साइड बहुत दर्द हो रहा है, कल रात से ही मतलब था, थोड़ा हेडेक जैसा हो गया था एक बच्चे के चलते। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग को आप लोग अपना प्यार दीजिए और कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय।